के जो है वो डेट्स अनाउंस करे हैं। बारामूला इज गोइंग फॉर इलेक्शंस, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो है वो फर्स्ट फेज में, और इसके लिए जो है नोटिफिकेशन की डेट जो है वो 18 मार्च को 2019 को इशू की जाएगी। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशंस विल बी 25 मार्च को 2019, डेट ऑफ सिक्योरिटी विल बी 26 मार्च 2019, लास्ट डेट ऑफ विदड्रावल विल बी 28 मार्च 2019, डेट ऑफ पोल जो मुकर्रर हुआ है एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 11th of April 2019, 11 अप्रैल 2019 को बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जो है वो वोटिंग होगी। काउंटिंग ऑफ वोट्स विल बी, जैसे कि पहले ही नोटिफाई गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए से हुआ है, 24 मई 2019 को जो है वो काउंटिंग होगी। इन सारी चीज़ों के जो नॉमिनेशन फाइल करने के, फिर पोलिंग से रिलेटेड अरेंजमेंट्स एंड देन अरेंजमेंट्स विद रिगार्ड टू काउंटिंग, ऑल अरेंजमेंट्स हैव बीन डन। देन 27, जैसा कि आप जानते हैं कि 27th मई 2019 से पहले पहले जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना है एंड व्हेन रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड, ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट्स विद रिगार्ड टू सक्सेसफुल स्मूथ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैव ऑलरेडी बीन डन। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज कम इनटू फोर्स फ्रॉम यस्टरडे इटसेल्फ, जितने इससे रिलेटेड जो है वो लवाजमात है वो सारे पूरे किए गए हैं। डिफरेंट कमिटीज हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, जैसा कि आप जानते हैं सारे के कमिटीज रिलेटिंग टू सर्वेलेंस, कमिटीज रिलेटिंग टू एक्सपेंडिचर, कमिटीज रिलेटिंग टू यू नो यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, वट एवर आर द प्रोविजन्स लेड डाउन इन एमसीसी, दोज ऑल अरेंजमेंट्स हैव बीन डन। सबसे पहले तो जो हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, इंक्लूडिंग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट यू नो कुपवारा, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा, सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं, पोलिंग स्टेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड। अब की बार जो एक अच्छी बात है कि यू नो इंक्लूसिव एक एक्सरसाइज हुई है जिसमें खासतौर से दोज जो हमारे फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स नॉर्मली होते थे उनके लिए बड़ी मुश्किल होती थी पोलिंग स्टेशन में आने में, लेकिन अब की बार वी आर थैंकफुल टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट इलेक्शन जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, इसके लिए उन्होंने फंड्स सफिशेंट वाकजार किए हैं जहां हमें रैंप्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करने हैं। इसके अलावा जो भी डेफिशिएंसी पहले होती थी विद रिगार्ड टू मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटीज, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, एक्सेसिबिलिटी के हवाले से, सारी चीज़ें अब इन प्लेस जो है वो उसके प्रोसेस शुरू हो गया है। बाय 31st of March एवरीथिंग विल बी इन प्लेस एंड विल बी हैविंग सफिशियंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू सी दैट देर इज नो डेफिशिएंसी, सो दैट जितने हमारे वोटर्स हैं, जितना हमारा इलेक्शन से रिलेटेड प्रोसेस है उसमें बिल्कुल स्मूथनेस होगी और किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इट इज़ समथिंग विच इज़ अ वेरी क्रिटिकल एंड वेरी क्रूशल इन द इलेक्शनिंग होल प्रोसेस, तो इसका कल से चूंकि इतलाक हो गया है, मैं अपनी तरफ से पहले तो सारी जितनी हमारी पोलिटिकल पार्टीज हैं जो हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ती है और खासतौर से जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, मैं उनको अपील करता हूँ कि वो भरपूर इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लें। जो भी इसके लेट डाउन नॉर्म्स हैं, जो भी इसका प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके थ्रू जा करके वो अपने इसमें फुल पार्टिसिपेशन करें। इसके अलावा मैं वोटर से भी अपील करता हूँ वो बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें, और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है मैं अपील करूंगा। मैंने कल ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का है एक अपील डाली है अपनी तरफ से एज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कि जितने हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वी सीक देयर कोऑपरेशन, इसी तरीके से जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वी सीक देयर कोऑपरेशन आल्सो इन एंश्योरिंग दैट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन लेटर एंड स्पिरिट। कहीं भी अगर कोई इसमें वायलेशन नोटिस की जाएगी देर विल बी वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन, खासतौर से एम्प्लॉयज को मैं अपने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के एम्प्लॉयज हैं या बाकी डिस्ट्रिक्ट के जो एम्प्लॉयज इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन से जुड़े होंगे उनसे भी मैं अपील करता हूं कि दे शुड नॉट गिव अस एनी ओकेजन एनी अपॉर्चुनिटी टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द जो डिविएशन किसी तरीके की होगी। मैं एक बार फिर आपके जरिए से बारामूला के जितने और जो हमारे बांडीपोरा और जो हमारे कुपवारा के कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो लोग हैं या उन डिस्ट्रिक्ट में जो लोग हैं जो इलेक्टोरेट है उनको यकीन दिलाता हूँ अब की बार
जो है ऑल द डेफिशिएंसीज जो पास्ट में हुआ करती थी वो रिमूव की गई है एंड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स हैव बीन डन फॉर स्मूथ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और मुझे उम्मीद है कि हमें फुल कॉपरेशन मिलेगी ताकि ये इलेक्शन एहसन तरीके से जो है वो अपने इख्तिताम पर पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ये एसपी साहब क्या आप बता सकते हैं कि ये जो पुलिस स्टेशन हैं सुपर कितने हैं, सुपर सेंसिटिव कितने हैं, इज देयर एनी इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला? बिकॉज सम डेज बिफोर यूर डी जी हैज डिक्लेयर्ड दिस डिस्ट्रिक्ट मिल्टनसी फ्री, सो कैन यू गिव अस द फिगर्स हाउ मेनी पुलिस स्टेशन? देखिए एज फार एज इलेक्शन इज कंसर्न्ड उसके अपने पैरामीटर्स होते हैं, मिल्टेंसी दैट्स वन ऑफ द बिग थ्रेट इन इलेक्शन प्रोसेस। लेकिन जो हमारा जो प्रेजेंट गाइडलाइंस है एज पर डीसी साहब को भी वो देखा है हमने, वो डिसाइड भी किया ऑलरेडी आपस में बैठकर, इस बार हमें दो डायरेक्शंस आई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। देयर विल बी टू कैटेगरीज ऑफ पोलिंग बूथ्स, नंबर वन विल बी द वल्नरेबल एंड नंबर टू विल बी क्रिटिकल। जो पुराना कॉन्सेप्ट था हाइपर सेंसिटिव सेंसिटिव नॉर्मल दैट्स ओवर नाउ, वी हैव कैटेगराइज्ड पोलिंग बूथ्स 575 पोलिंग बूथ्स व्हिच आर इन माय ज्यूरिडिक्शन एज पर दिस क्राइटेरिया। जाहिर है उसमें मिलिटेंसी का फैक्टर भी उसमें रहेगा, नो डाउट देयर इज नो रेजिडेंट मिलिटेंट इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला, बट फॉरन मिलिटेंट्स आर सम एडजोइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के जैसे सोपोर से या बांडीपुर एरिया से, इवन बड़गाम एरिया से भी देयर इज मूवमेंट इन अवर एरिया। तो जो हमने वल्नरेबिलिटी बनाई है पोलिंग बूथ्स की, दैट्स एज पर द क्राइटेरिया ऑफ मिलिटेंसी लॉ एंड ऑर्डर एंड अदर पोलिटिकल इशूज, ऑन दैट बेसिस वी हैव कैटेगरीज द पोलिंग बूथ्स इन टू कैटेगरीज, वल्नरेबल एंड क्रिटिकल। क्रिटिकल बूथ्स आर दोज बूथ्स वो नेचुरली हमारे पे यहाँ बहुत कम है, जहाँ पे 90% से ज्यादा पोलिंग हुई है या जहाँ पे 70% से ज्यादा किसी एक कैंडिडेट को उसमें वोट शेयर हुआ है, ऑन दैट बेस हमने कैटेगरी फेस की। सर जैसे कि सर्दी इलाकों में इस वक्त शेलिंग भी हो रही है, 35,000 वोटर्स अगर हम सिर्फ उड़ी की बात करें तो उनके अपने इलाकों में जाना तो मुश्किल ही हो रहा है, तो लेकिन अगर इस दौरान उनको वहीं पर रहना पड़ा जहाँ पर उनको माइग्रेट किया गया है, जहाँ पर उनको रखा गया है, तो उनके लिए पोलिंग बूथ अलग कायम किए गए? देखिए ये बात पहले ही हमने ऑलरेडी जो है वो एसेस करी है, हमारे जो एस्टिमेट है जो हमारी असेसमेंट है उसके हिसाब से 23 पोलिंग स्टेशन पोलिंग बूथ्स ऐसे हैं जो लाइकली आर टू बी अफेक्टेड इन केस खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन होती है शेलिंग होती है। इन दैट केस हमने टू टायर प्लान बनाया है, एक प्लान तो ये है कि जो नियर बाई वहाँ पे सेफ बिल्डिंग्स हैं तो वहाँ पे हम जो है उनके जो डेजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशन हमने रखे हैं जिसका हमने ऑलरेडी सारा इंतजाम किया हुआ है, ऑल अरेंजमेंट्स हैव बीन डन। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ज्यादा शेलिंग होती है और वहां से इवैक्यूएशन के बाद इनको वोटिंग करनी पड़ेगी तो प्लान सेकंड भी हमने रेडी रखा हुआ है, और जहां उनको हमने जो हमने ऑलरेडी डेजिग्नेटेड प्लान्स बनाए हुए हैं कहां वो इस वक्त भी कुछ लोग हैं या उस वक्त अगर खुदा ना खास्ता कुछ लोगों को रखना पड़ा वहां भी सारी डेजिग्नेटेड जो सेफ बिल्डिंग्स और जो अश्योर्ड यू नो मिनिमम फैसिलिटीज ऑल द अरेंजमेंट्स हैव बीन डन एंड वोटर्स हैव नॉट टू वरी ऑन दैट अकाउंट। मैं उनको अपील करता हूं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन होगी उनको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, इंक्लूडिंग जो हमारा ट्रांसपोर्ट प्लान है, इंक्लूडिंग हमारा कम्युनिकेशन प्लान जो है वो दैट इज ऑलरेडी इन प्लेस और ऐसी कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। डी साहब कल सुनील अरोरा जी ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा कि वोटर स्लिप उसके बारे में हमने तो व्हाट वुड बी द आइडेंटिटी ऑफ वोटर व्हेन ही विल कास्ट हिज वोट? मैं तो ये हमारे समीर साहब हैं, ये डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो लेट हिम स्पीक अबाउट दैट। जो ये वोटर स्लिप अलोन स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट अब नहीं चलेगा, मतलब वोटर स्लिप पर एक्सप्लेन कीजिए हमें। इसके साथ जो बाकी वो नोटिफाई होते हैं डॉक्यूमेंट्स फिर कौन कौन से चलेंगे, जैसे लाइसेंस है, जैसे पासपोर्ट है, जैसे इपिक कार्ड है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड या बैंक पासबुक है या नरेगा कार्ड है, ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स वो प्रॉपरली नोटिफाई होते हैं दे विल बी एंटरटेन्ड एज प्रूफ ऑफ दैट इलेक्टर। वोटर स्लिप अलोन वॉट बी सफिशिएंट। थैंक यू। एनीथिंग मोर रिजवान? क्या सर कलाम चाहिए? Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. No, we have arranged a cup of tea. Please be seated. Have a cup of tea.